नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज रिपोर्टर, मैं इस वक्त मेरी मौजूदगी शाही किला है। आपको बता दें, आज नवा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे किस तरह से यहाँ पे और जो है किस तरह से देख सकते हैं योगा कर रहे हैं। हालांकि इस तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास किस तरह से यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी योगा आसन का कार्यक्रम जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है, पूरे पूरे धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। हर जगह जगह सब जो है योगा दिवस में मना रहा है। योगा मैं देख लोग योगा आला अधिकारी योगा करेंगे आपका जीवन कुछ लोग यहाँ पे योगा करते हैं योग के साथ देते हैं। आगे की दो लाइन हमारे सम्मानित अधिकारी और अतिथि गण के लिए है, तो सभी लोगों से निवेदन है कि इसका विशेष ध्यान दें। और आज योग गुरु श्री रामचंद्र हरिमूर्ति जी योग प्रशिक्षण के लिए तैयार हैं। योग सीखने के लिए, योग करने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी, डॉक्टर रामचरण मौर्य जी अध्यक्ष, प्रतिनिधि महोदय नगर पालिका परिषद जौनपुर, एसपीसीडी साहब, बीएसए साहब, ये साहब, सभी सम्मानित अधिकारी गण यहाँ पर हैं। मैं सभी का और हमारे जनपद के जितने भी गणमान्य लोग यहाँ पर एकत्र हैं, जिला प्रशासन की ओर से सभी का हृदय से बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन है। सोफा हटाएगा उसके बाद योग गुरु श्री राम अचल हरिमूर्ति जी द्वारा आप लोगों को योग कराया जाएगा। हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन जो योग है, माना मेडिटेशन है, वह हमारी आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। योगा से हम अपने शरीर को ठीक करते हैं, पर मेडिटेशन से हम अपनी आत्मा को बहुत पावरफुल बनाते हैं। योग माना जोड़ और जोड़ माना संबंध। हम किससे अपना संबंध जोड़े जो हमारी आत्मा को पावर मिले, माना शक्ति मिले। तो जब तक ये सोल माना आत्मा प्रारंभ होगा, आपसे बात करने का अवसर मिला है। मैं निश्चित रूप से योग की क्रिया देखो कहा से है, इस क्रिया को प्रारंभिक शुरुआत किया था। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस क्रिया को अपनाकर अपना जीवन बस मन बुद्धि आत्मा सबको एक आत्मा करने का प्रयास किया था, जिससे बहुत बड़ा लाभ मिला। स्वामी विवेकानंद ने भी इस योग की क्रिया को अपनाने के लिए समझ प्रारंभ किया था। उस समय भी लोगों ने अपनाया और उसका फायदा मिला, लोगों का जीवन स्वस्थ रहा, तमाम तरह की बीमारियों से लोग बचे रहे। ये हमारी योग की क्रिया बहुत पुरानी क्रिया, लगभग 5000 वर्ष की पूर्ति क्रिया है, लेकिन किन्हीं किन्हीं कारणों से समाज में विलुप्त थी। मेरी पूरी बॉडी उस प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। प्रकाश वेद से होता हुआ मेरे स्टमक, हाथों में, पैरों में, बॉडी में फैल चुका है। पूरी बॉडी बहुत हल्की हो चुकी है। 2015 को
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा कर दिया, जिसे प्रारंभिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र में 193 देशों ने इस पर सहमति जताई थी और योग प्रारंभ हुआ। आज पूरी दुनिया इस योग के अभ्यास को अपनाना प्रारंभ कर दिया। निश्चित रूप से मैं आज के यहां उपस्थित जो लोग हैं उन सब से भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक ही न सीमित रखें, बल्कि हम अपने इस रोज की दिनचर्या में पूरे परिवार के साथ अपने मित्र दोस्त जितने भी सगे संबंधी हैं उन सबको योग के लिए प्रेरित करें, और ये अपने जीवन में दिनचर्या के रूप में अगर योग नियमित रूप से करते रहे तो निश्चित रूप से तमाम तरह की बीमारियों से हम बच सकते हैं और हमारा आर्थिक भी जो पक्ष है उससे भी हम तंगी में नहीं जा सकते और हमारा मानसिक शारीरिक सब हमको लाभ भी मिलेगा। हमारी बुद्धि आत्मा शरीर एकता के सूत्र में बंधेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इसको हम अपने जीवन के दिनचर्या में योग को उतारकर